सो आज डेट है 23 जून 2021। सो फर्स्ट न्यूज देखो, टॉयकाथन 2021 ग्रैंड फाइनल इनॉग्रेटेड वर्चुअली। तो यूपीएससी पे जो मैंने प्रिपेयर हो बहुत इम्पोर्टेंट एटू पक्का क्वेश्चन गोटे आसो कौन पाई ना टॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस दौरान से देख टॉयकाथन 2021 है। तो टॉयकाथन आगुरी केवे भी शुण नथिबो जेमती गोटे इम्पोर्टेंट होउची। तेणु टॉयकाथन कौन बेसिकली आम टॉय जो बहुत सारा पार्ट रे आम कंट्री रो बहुत सारा पार्ट रे बा एरिया रे टॉय मानको प्रमोट करने लोकल मटेरियल जो जो मैंने तैयारी करूँ प्रमोट करने बेसिकली टॉयकाथन ऑर्गेनाइज होउची। तो टॉयकाथन को बेस करके आम इम्पोर्टेंट अपडेट कौन देखिपर ए टॉयकाथन 2021 को ऑर्गेनाइज किए कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ता सहित पांचटा अदर मिनिस्ट्री सहित मिसिकी से कोऑर्डिनेट करी एटा ऑर्गेनाइज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ताले याकु कौन पे आम प्रमोट करिया दरकार तार इम्पोर्टेंस देछि तार गवर्नमेंट रो किसी स्टेप देछि तो सही सब जिनस को तुम्हें पढ़ बट ये देख प्रिलिम बहुत इम्पोर्टेंट कौ स्टेट रो कौ टॉय तो चेन्नापटना टॉय कर्णाटक किनल टॉय कर्णाटक तापरे एतिकोप्पका टॉय कंदापल्ली टॉय आंध्र प्रदेश निर्मल टॉय तेलंगाना तंजावर चप्पूसमान तमिलनाडु तापरे लई फाड़ीवी मणिपुर। तो यही जो सब जिनस को तुम्हें गोटे गोटे करी मन रख देख थिगा धिंगला गुजरात तापरे चंकाना घबू लाटो हांडवई दीज आर आसोसिएटेड विथ पंजाब तापरे संबलपुर टॉय एंड पेपर मैच स्टोन टॉय ओडिशा तापरे अश्रीकांडी टेराकोटा टॉय आसाम आसरीकंडी टेराकोटा टॉय आसाम। तो यही गोटे क्वेश्चन पक्का आसो तुम एग्जाम तापरे देखो सेंटर स्टेट केम टुगेदर टू रोल आउट पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर। तो सेंटर आउ स्टेट माने कौन करछन्ती ना पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म सब आणुछन्ती। तो ये जो पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म कौन कौन वन रेशन वन कार्ड एज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जिनस कौन दिज आर कॉल्ड रिफॉर्म। तो बेसिकली वन नेशन वन कार्ड रे रिफॉर्म कौन है ना माइग्रेंट वर्कर माने से फूड रेशन को ड्र करपरुंच एनी व्हेयर इन द कंट्री। तो फिनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ बोगस कार्ड ये सब जिनस अच्छी। तो ये देखो अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू कमी होती ना एनेबल बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास सपोर्ट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलेट ग्रोथ। तो ये जो रिफॉर्म गुड़ा आनी सेंटर और स्टेट मिसिकी तेणु आम जी कहीपर आम सेंटर स्टेट जो कोऑपरेशन आम पढ़ुचे ताकू आम रिलेट करें। ओके सो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ये गोटे नुआ जिनस देखो तुम्हें जो मैंने राउ साइस डीएनएस फॉलो करथुबो सेथिरे भी आजर फर्स्ट आर्टिकल देछि बेसिकली सेंटर आउ स्टेट रो फाइनेंशियल पावर को लेकि अच्छे आम टिके 2 दिन आगुरी डिस्कस करथिले। तो आम कौन डिस्कस करथिले ना सेंट्रल गवर्नमेंट रो बोरोइंग पावर कौन डिस्कस करथिले आउ स्टेट गवर्नमेंट रो बोरोइंग पावर डिस्कस करथिले। बेसिकली एटी टिके अपडेट तुम्हें नहीं पारिबो जे सेंट्रल गवर्नमेंट रू भी स्टेट गवर्नमेंट माने बोरो करिपारिबे बट केते बोरो करिपारिबे तार प्रोविजन भी ताकू इथरे पढ़ी पारिबो। तो बेसिकली एबे जदि आमे देखिबा आगुरु कोन थिला ना स्टेट माने 3% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माने बोरो करि पारुतले बट एबे से माने 5% बोरो करि पारिबे 5% जो कहूछे आमे सेटा जदि आमे देखिबा आउट ऑफ दिस 1% वाज लिंक्ड टू शोइंग प्रोग्रेस ऑन 4 सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर। सो बेसिकली गोटे स्टेट जदि बोरो करिया पे चाहिबो 5% ताले ताकू यही सब रिफॉर्म गुड़ा को आने पड़ो यही सब रिफॉर्म आने जा 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जीडीपी से बोरो करी पारिबो ना 3 पॉइंट ही बोरो करी पारिबो। तो सब स्टेट रो वेटेज सब ये जो रिफॉर्म रो वेटेज देखो एक देखिए 0.25%। ओके तो 0.25% एटा 1% तापरे बेसिकली आउट ऑफ दिस 1% माने 3% रू आमे जदि गोटे स्टेट चाहिबो से 3% थिला एबे 4% से बोरो करि परिबो बट 5% केते बेले बोरो करि परिबो ना एही सब जिनसरे से रिफॉर्म आनिथिबो जदि से बोरो करि परिबो 5%।
ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଫଗାନ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଇଜ୍ କରିଛି, ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶନ ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ସୋ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ରିପୋର୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ କଜୁଆଲିଟି ହାଭ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 29% ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ 2021 କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କଜୁଆଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 37% ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କଜୁଆଲିଟି ବାଇ 23%। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପିସ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଏହାକୁ ତମେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ UNAMA ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା 2002ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହାଦ୍ୱାରା ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ସେକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରଚେଜ ଫର ସମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି, କିଏ କହିପାରିବ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି କିଏ? ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ କିଏ ଆଣିବ? ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଭଳିଆ ଓକେ, ଆର୍କେ ସିଂ ବୋଧେ ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଫର ସର୍ଟେନ୍ ସେକ୍ଟର ସଚ୍ ଆଜ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ପରଚେଜ ଅବ୍ଲିଗେସନ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରଚେଜ ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ରେଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସୋଲାର ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ତ ସୋଲାର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଏଥିରେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର ସେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ସୋ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫୁଏଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ ଇମିସନ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସଚ୍ ଆଜ୍ ୱିଣ୍ଡ ସୋଲାର ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜ୍ ୱାଟର ସେପାରେଟିଂ ଦ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ୱିଦିନ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ବଜେଟ 2021ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏନର୍ଜି ମିଶନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବ ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏହିସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତୁମେ କନସିଡର କରିପାରିବ। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର 4ଟା ଟାଇପ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଇ କାର୍ବନ ବ୍ରାଉନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜିରୋ କାର୍ବନ ଗ୍ରୀନରେ, ଲୋ କାର୍ବନ ବ୍ଲୁରେ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତ ବେସିକାଲି ଆମର ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି ମାନଙ୍କରୁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସୁଛି, ସୋ ନୋ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଏମିଟେଡ୍। ତାହେଲେ ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ CH4ରୁ ଆମର ମେଡ୍ ହେଇଥାଏ ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଓକେ, CO2 ଇଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଡ। ତାପରେ ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ CH4, CO2 ଇଜ୍ ଇମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବି CH4ରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବଟ୍ CO2 ଇଜ୍ ଇମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ, CO2 ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କ୍ୟାପଚର ଆଉ ଷ୍ଟୋର, ଓସେନରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ CO2 କ୍ୟାପଚର ହେଇକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୁଏ, କାର୍ବନ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜାଣିଛ। ତ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା CO2 ଏମିଟ୍ ହେଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ, ବଟ୍ ବ୍ଲୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ CO2 କ୍ୟାପଚର ହେଇକି ଷ୍ଟୋର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲୋ କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାପରେ ବ୍ରାଉନ୍ କାର୍ବନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କୋଲ, CO2 ଇଜ୍ ଇମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ CO2 ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଇମିଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ହାଇ କାର୍ବନ କହୁଛେ। ତାପରେ ନୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଫ୍ଟି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 40 ଇୟର୍ ଆଫ୍ଟର ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି। ତ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 40 ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମେଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଥିରେ ଦେଖିବ, ଡିଟେଲ ଦେଖିବ, ଆଉ ଆମର ବେସିକାଲି PSM, PSM ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କିଛି ଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ସେଫ୍ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଆକ୍ଟ 1948, ସେଇଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 1987। ତାପରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1986, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛି।
केमिकल एकेडमी एक्सीडेंट रूल 1996 व्हिच एड्रेस गैस लीक एंड सिमिलर इवेंट्स। तापरे एनडीएमए गाइडलाइन ऑन केमिकल डिजास्टर्स। तापरे स्मॉल न्यूज अच्छी डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत एबे टेंशन बढ़ाऊ समस्त तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेल्टा प्लस वेरिएंट को कैटेगरी करछन्ति इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सो लाइक डेल्टा इट हैज म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन रीजन ऑफ द रीजन आरएनए वायरस मेकिंग इट मोर ट्रांसमिसिबल। तापरे प्रेसिडियो प्रिंसिपल फाउंडेशनल वैल्यू फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल इंटेंडेड टू ले आउट ए फाउंडेशनल सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर दोज बिल्डिंग विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ए प्रिंसिपल कौन प्रोवाइड कर दिस प्रोवाइड्स क्रिएटर ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन विथ ए बेसलाइन फॉर डिजाइनिंग सिस्टम दैट प्रिजर्व द राइट ऑफ देयर पार्टिसिपेंट। तो ब्लॉकचेन जो मैंने यूज करेंगे से मैंने पार्टिसिपेंट्स तो से जो पार्टिसिपेंट्स मानक राइट को प्रिजर्व करने ये एप्लीकेशन को सजेस्ट कर तो प्रिंस ये जो प्रिंसिपल अच्छी से प्रिंसिपल कौन एम कर फॉलोइंग राइट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी एजेंसी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तापर ग्रेट वेरियस सर ये जो सर ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट इटा कोन कोरोना रो वेरिएंट कोविड 19 रो वेरिएंट। ओके ओके ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ आज तुम जो देखिथो सिविल सर्विस कॉर्नर रे इटा क्वेश्चन आस्तला तो हमें देखि परिबा जे ग्रेट बैरियर रीफ को कंट्री से एसोसिएट अछि ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एति की मन रखो बेसिकली यूनेस्को कोन कहउछि ना हमरो जो आमर जो कोराल डिक्लाइन हो जाऊँ से गोटे डेंजर जोन रे रखी ओके वर्ल्ड हेरिटेज स्टाटस डाउनग्रेड कर ग्रेट बैरियर रीफ रो बट ऑस्ट्रेलिया कौन करपोज कर तो मन रख यार सिग्निफिकेंस कौन ना ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोराल रीफ को कंटेन कर 400 टाइप्स ऑफ कोराल 1500 स्पेसीज ऑफ फिश 4000 टाइप्स ऑफ मोलस्क्स इट ऑल्सो होल्ड ग्रेट साइंटिफिक इंटरेस्ट आज द हैबिटेट ऑफ स्पेसीज सच आज डंगडंग डगंग सिकाउ जो कहूँ आम सिकाउ एंड लार्ज ग्रीन टर्टल व्हिच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। तापरे लास्ट मलेशिया बिकम इंडियाज टॉप पाल्म ऑयल सप्लायर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो इंडिया रो टॉप पाल्म ऑयल सप्लायर किए मलेशिया इंडोनेशिया वियतनाम ये सब ऑप्शन थी मलेशिया सरपास करी इंडोनेशिया टू बिकम द बिगेस्ट पाल्म ऑयल एक्सपोर्टर इन इंडिया इन 2020-21। सो इंडिया इज द वर्ल्ड रो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाल्म ऑयल। पाल्म ऑयल अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ इंडिया टोटल इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। तो पाल्म ऑयल कौट प्रोड्यूस हो प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाल्म ट्री एजिस क्विनेसिस इट कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ बेटा कैरोटीन इट इज यूज्ड एज कुकिंग ऑयल टू मेक मार्गरिन एंड इज कंपोनेंट ऑफ मेनी प्रोसेस्ड फूड। तो पाल्म ऑयल को लेकिन जहाँ सब अपडेट आम डिस्कस कले सो बेसिकली आम कौन सब डिस्कस कले टॉयकाथन मते कह क्वेश्चन पचार निर्मल टॉय निर्मल टॉय को स्टेट रो कि कोई परिबो तेलंगाना 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 और गुजरात रो को टॉय मन बोल कौन लिखाई छी टिगडा डिंगला टिगडा डिंगला मन रहला तो एहाकु तुम्हें जते इंटरेस्टिंग करके ताकु मन रख परिबो। ओके तापर देख एथिरे आमे डिस्कस करले कौन आमर जो पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म स्टेट माने केते बरो करि परचंती आगरु केते करथले एबे कर केबे केते करि परिबे कि को कंडीशन रे करि परिबे। तापर अफगानिस्तान वायलेंस को नेके डिस्कस करले मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन परचेज को नेके डिस्कस करले। तापर सेफ्टी रेगुलेशन को नेके जहाँ सब डेवलपमेंट अछि तापर डेल्टा प्लस वेरिएंट ग्रेट बैरियर रीफ मलेशिया तापर प्रेसिडियो प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विथ कौन एटा कहार प्रिंसिपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो प्रिंसिपल इट इज एसोसिएटेड विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रे आमर जो आमर पार्टिसिपेंट मानकर राइट जेमती ट्रांसपेरेंसी एक्सेसिबिलिटी एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस याकु प्रोटेक्ट करिया पे प्रोविजन रखा जाइछ। ओके सो आज पे एति की
आउ कार कौन किसी क्वेश्चन अच्छी तो जो मैंने मेन पे आंसर राइटिंग कर रेस्पेक्टिव क्वेश्चन लिखि पार से क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छी ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय गुड नाइट नमस्कार गुड नाइट सर।